गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मेरे साथ कल पूजा पवने दी हैं और बाकी सब लोग बिजी हैं अपने लाइफ में। एक पवने दी आजकल फ्री हो रही है तो पवने दी को अपने साथ खत्याड़ी कैफे ले जा रही, क्योंकि फेयरवेल में आंटी ने बैग दिया था ना, उनको रिटर्न करना है। खत्याड़ी कैफे का बैग है और इनको खत्याड़ी कैफे जाना है या अभी तक गई नहीं है और बिना अकाउंट में जीरो पैसा है। आजकल पूजा दी फ्री है ना, इसलिए पूजा दी को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। अभी खत्याड़ी कैफे जा रहे हैं क्योंकि पूजा दी खत्याड़ी कैफे नहीं गई है। आप फर्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ मैं इनको और इनको वहाँ के आलू के पराठे टेस्ट कराती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत टेस्टी बनते हैं, कैंटीन से भी अच्छे। मेरी आज पहला कदम लगने जा रही है खत्याड़ी कैफे में। चलो चलो गृह प्रवेश राइट लेग से। चलो पूजा दी बताओ अब क्या खाओगे, कैसा लगा आपको खत्याड़ी कैफे है ना? अपने दोस्तों को भी यहीं लेके आना, ठीक है? सबको यहीं भेजना होगा और 10,000 रुपए के 10,000 में से 73 रुपए के अकाउंट पे बचे हैं, तो आलू का पराठा आ जाएगा आपका। गाइस आलू का पराठा आ चुका है, सबसे बढ़िया होता है टेस्टी। टेस्ट बताओ सच में। अब मैं इस मूवी को कंप्लीट करूंगी। अब हमने मंगा दिए मोमोज, फिनिश कर दिए हैं, इन्हें पूरा साफ कर दिया, चटनी तक खा डाली। कैसा लगा यहाँ का भोजन आपको? थोड़ी मिर्ची लग गई ना मोमो की चटनी से, क्योंकि मस्त दुनिया आकर पानी की दुनिया। गुड मॉर्निंग गाइस, फटाफट से मैं आपको एक अपनी दोस्त से मिलाती हूँ जो बहुत बिछड़ी हुई थी, अचानक आई हुई है, बारिश भी हो रही है इतनी तेज। ये है मिस मोनिका, ये देखा मुझे पता था तू किट कैट लाई होगी। ये बीएड वालों का एग्जाम है ना आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज बीएड का एग्जाम है, संडे, मतलब आज मैं आउटिंग नहीं गई, आज हम लाइव गए, आप लोगों ने देख लिया होगा लाइव। तो अभी मैं खत्याड़ी कैफे जा रही हूँ क्योंकि मेरी दोस्त मोनिका आई है, आपने सुबह आ गई थी, वो मेरे किट कैट भी लेके आई थी, तो उसका एग्जाम था, छूट गया, दो बज चुके हैं। मैं खत्याड़ी कैफे जा रही हूँ और वंशिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, तो वंशिका अब घर जा रही है, उसके पापा आए हुए हैं आज लेने के लिए। बाय वंशिका, आराम से जाना। हाँ भाई, पूरा हसन अंसारी, आराम से जाना तुम भी। देखो बाहर का मौसम कितना प्यारा हुआ है, सुबह सुबह बारिश हुई थी ना। ये हमारे गणेश अंकल आज भी ड्यूटी पे थे, संडे को होती क्या आपकी ड्यूटी? हाँ लगा दी, पता नहीं, मैं तो मना कर देता हूँ। अच्छा मैं वहाँ ड्यूटी में होंगी ना, क्योंकि आज बीएड वालों का एग्जाम था इसलिए। ये है मिस मोनिका, सुबह अच्छे से मिल नहीं पाई थी। वाओ तेरे पास ही वाला, हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे होता है पपेट वाला। मुझे भी ऐसी कवर चाहिए, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। कहाँ से लिया? है मेरे भी ले देना ना प्लीज, मेरे लिए भी। मेरे फोन की रियलमी का ही था बस, इसमें और आईफोन का था, और नहीं था मेरे फोन का सैमसंग का। गाइस हमारे बीच में आज है हमारे प्रियंका शाही, आज मतलब संडे था तो कहीं गए नहीं। अभी ये भंडारी बता रहा है कि आज सीएम में ना एक शो रहा है सिंगिंग का, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और मेरे पैर में चप्पल देखो, मैं घर की ड्रेस में हूँ और इसको देखो, ये मुझे ऐसे ही ले जा रहा है। तू तो ऐसे ही घूमता है, मैं कब घूमती है? हॉस्टल के घर के कपड़ों में बाहर सीएम मॉल घूम के आती हूँ। आजकल ये जेंटलमैन बन के घूम रहा है, बिल्कुल टाई वाई डाल के ना, टाई कोट वोट पहन के, कल धरने पे बैठने के लिए बिल्कुल फोटो अच्छी आएगी करके सज धज के आता है, जिसने इसको धरने बहना, जिसने हमारा गर्दी करनी होती है ऐसे आता है। गाइस स्टेडियम में ना अब घास भी बिछा दी इन लोगों ने, मस्त बन चुका है इस बार। यहाँ होने वाला बोल रहे क्या दशहरा? हाँ मैं वैसे भी नहीं देखती थी इस बार दशहरा, अच्छी यार हमें आउटिंग ही नहीं मिलती ना इस बार, मुझे लोकल भी हट गया है, तो भंडारी लोकल ऑन करा हमारी, वरना फिर जाएगा। दशहरा की नहीं हो रहा रीजन, ये चल रखना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा ना। हाँ घास वास भी लगा दी है, स्टेडियम खेलने के लिए होता है, यहाँ प्ले जलाने के लिए नहीं होता स्टेडियम। मुझे हंसी आ रही है बिना चप्पल के यहाँ जाने में, ये ऐसी जगह लेके आए ना, गेम का चल रहा है। हाँ कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं चल रहा है, मुझे बेकूफ बना के लाया। कहाँ है तेरा प्रोग्राम, कहाँ चल रहा है? योगा इसकी एक्टिविटी, नहीं हो रहा है यहीं कहीं मोती महल में हो रहा है। देखो हेलो, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ? अच्छा यहाँ चल रहा है प्रोग्राम, भाई फाइनली पहुँच गए हम, कुछ मिलेगा यहाँ खाने को? पता नहीं यार, कल आर्ट एग्जीबिशन भी होने वाला है, वाह सबके आर्ट लग,
भोपरी गाइस, इनका प्राइस है 9000 की पेंटिंग। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, कुछ भी कलर किस गैस पे लगा दो 10,000 में बिक जाएगी। वन डिजाइन पूरा, ये पूरा, ये है क्या चीज़ पता है तुझे? 10,000 का है गाइस ये, है क्या चीज़? ये चील की आँख जैसी है क्या? ये समझ नहीं आ रहा है, ये 10,000 का है। हाँ, मंदिर है, पता नहीं यार मंदिर का मुझे पता नहीं है, लेकिन मस्त बनाया है ये, अच्छा लग रहा है। ये 7,000 का रहा था कृष्णा। ये वरुण धवन है, 5,000 का भेड़िया, अच्छा बनाया है 5,000 में। बापरे 18,000 है, सच में अपन डिजाइन भी महंगी बिकती है क्या? ये मस्त लग रहा है दूर से, मतलब रियल इफेक्ट आ रहा है इस पे। ये भी 8,000 का है, ये पता नहीं अधूरी पेंटिंग लग रही है, इसमें कोई प्राइस नहीं है। बुद्धा का है 5,000, और ये सिर्फ, ये तो सिर्फ 1200 का है अपन डिजाइन। ये वाला जो सस्ता लगाया इसने, ये वाले बिक जाएंगे शायद 1800-1200 वाले, ये जो अच्छे लग रहे हैं। झोड़ा चाचरी चल रहा है इस, यहाँ पे मेहंदी कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, अभी सुनने में आ रहा है। अभी आती है पार्टिसिपेट किया है मेहंदी कॉम्पिटिशन। वाह, हमें आने में लेट होगी, इससे थोड़ा लेट पता है, वरना मेरी पार्टिसिपेट कर दी। यहाँ तो गणपति बापा बने हुए हैं और ये सब जज लोग हैं जो मेहंदी डिजाइन देख रहे हैं। भंडारी के ना चप्पल भी टूट गया, दिखा दो अब क्या करेगा? हो चुका है, फेवी क्विक ले लेना, उससे चिपकाना, ऐसे गाड़ी चुराते हैं हैं? गाइस कल भी प्रोग्राम है, कल सिंगिंग वगैरह है, आज भी मुझे पता नहीं था यहाँ 2-3 का प्रोग्राम रहता है करके। मेरे फोन में अब चार्ज नहीं है, मेरे फोन पे सिर्फ 5% चार्ज, अब कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। और आज मैं बेइज्जती करा के आ गए हम लोग मॉल में, है ना?